दिख रहा है बेटा, स्पेशल में पेपर दिखाई दे रहा है आपको? सर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, स्पेशल में पेपर मैं खोल के बैठा हूँ, यहाँ पे आपको मिलता है पार्ट वन, आपने पहले से देखा होगा। ठीक है, खाली बात क्या ध्यान से देनी है, इसके पार्ट वन में जो दो क्वेश्चन है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप जब आंसर लिखोगे ना, तो आप आंसर ब्लॉक लेटर में लिखना। पहली बात समझ में आ गई? दूसरी बात, आप सोच समझ के आंसर लिखेंगे, सही आंसर कौन सा है अगर वो नहीं पता है तो एलिमिनेशन राउंड से कि हाँ कौन से गलत हो सकते हैं, तो यही सही बचा, ये करके सही आंसर लिखना है। ठीक है, कि आपने सही आंसर अपने हिसाब से सारे लिख दिए, उसके बाद आपके कान में कोई आवाज पड़ती कहीं से कि नहीं इसका बी होगा उसका सी होगा, कहीं आपने कुछ देख सुन लिया, तो बिलीव ऑन योर सेल्फ। ठीक है, इफ यू आर श्योर दैट योर आंसर इज करेक्ट देन बी श्योर अबाउट इट। ठीक है, तो बच्चे आके बताते हैं एग्जाम के बाद कि पहले मैंने आंसर लिखा था ए और बाद में हमें पता चला कैसे कि बी होगा, तो मैंने काट के बी कर दिया और बी गलत हो गया। ठीक, उसके सिवा अगर आप इसको देखें तो पहले दो क्वेश्चन देखे बोले लेबरा पे है। ठीक है, तीन चार, चार बुलेन लेवरा पे निकले, पांचवा निकला इनहेरिटेंस के ऊपर, पर इसमें क्या क्या आ सकता है, तो मैंने यहां तीन टैब खोल के रखे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऊप्स हैं। आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, लिखना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू ऑन ऊप्स। लास्ट ईयर के पेपर में ऊप्स के तीन क्वेश्चन आए थे, इस स्पेसिमेन में नहीं है, लास्ट ईयर ऊप्स के तीन क्वेश्चन आए थे, और जिन बच्चों के नंबर 79 सॉरी 70 से था 69 नंबर आए या 68 आए हैं, उनकी मैक्सिमम गलती एमसीक्यू में थी, तो टेक एमसीक्यू सीरियसली। तो ये टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाते हैं क्योंकि हम इस टॉपिक को इग्नोर करके जाते हैं, और यहां अपने आंसर आप करके सोचिए, इसको विच इज द फॉलोइंग इज नॉट द कांसेप्ट ऑफ ऊप्स, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो भैया सही आंसर क्या है तुम्हारे हिसाब से, वो करके सी सोचा आपने, तो आप क्लिक करके देख लीजिए कि सी इज द करेक्ट आंसर और नॉट। ठीक, सिमिलरली यू कैन जस्ट गो, यहाँ पे हमने जो वेबसाइट खोली है उसके बाद है जावा टी पॉइंट, दो वेबसाइट्स हैं जहां पे आप इस चीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, पहली जावा टी पॉइंट है, दूसरी मैंने यहाँ खोल रखी है सैंड फाउंड्री डॉट कॉम, ये भी एमसीक्यू ऑन फाइल हैंडलिंग लिखा था। फाइल हैंडलिंग बच्चे पढ़ के नहीं जाते, कोई प्रोग्राम नहीं आएगा फाइल हैंडलिंग से, केवल थ्योरी में आएगा, तो इसको तैयारी कर लो, तो थ्योरी की एमसीक्यू भी तैयार हो जाएगा, एज वेल एज आपका क्या तैयार हो जाएगा, अगर एक लाइन का वन लाइनर क्वेश्चन आता है तो वो भी तैयार हो जाएगा। फिर इनहेरिटेंस इन जावा मैंने खोल रखा है, इस चैप्टर की आप एमसीक्यू के लिए तैयारी कर लो, और एक चैप्टर और है जिसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए, वो है एमसीक्यू ऑन एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। ठीक, इस चैप्टर की तैयारी करो, यहां पे भी देखिए सैन फाउंड्री में दिए हुए हैं आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग के क्वेश्चन। तो दिस पॉइंट इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू, इसके आंसर अपने प्रैक्टिस कर लीजिए, क्या आंसर आएगा क्या नहीं आएगा, विच ऑफ द कीवर्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई, फानी, थ्रोन, कैच। तो थ्रोन इज द करेक्ट आंसर सी, तो आप ना ऐसे करके प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद एसओपी पीओएस, ये देखिए पूरा भरा हुआ है, इंटरफेस की डिफिनेशन, थ्योरी में काफी हद तक आपका इनहेरिटेंस, रिकर्सन, ये टॉपिक आएंगे बुलेन को छोड़ करके, बुलेन तो आएगा ही आएगा, तो इनकी तैयारी कर लीजिए। लिंक्ड लिस्ट से पूछा गया, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर से भी एक क्वेश्चन आएगा, डेटा स्ट्रक्चर से क्या आ सकता है भैया, डेटा स्ट्रक्चर से आ सकता है स्टैक पे कोई क्वेश्चन, और आ सकता है आपका कौन सा टॉपिक है, स्टैक क्यू से, लिंक लिस्ट से, बाइनरी ट्री से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो ये लिंक लिस्ट है, तो ये तीनों के बारे में भी आप थ्योरी पढ़ लेंगे कि व्हाई बाइनरी ट्री इज अ रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑल। क्लियर है?
क्लास में हूँ सर, क्लास में है। नहीं, नीचे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स पूछा है कि इनफिक्स टू प्रीफिक्स पूछा है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, कोई एंट्री मांग रहा था क्या? ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स क्या पूछा गया है। इसको पढ़ने के करने के लिए आपको क्या करना है, स्टेप शो स्टेप्स, आपको स्टेप्स दिखाने चाहिए, स्टेप जरूर दिखाएंगे। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप क्या क्या गिवन है कि m की वैल्यू नंबर ऑफ रोज 11 है, नंबर ऑफ कॉलम 8 है। ये सब लिखने के बाद आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। एक नंबर आपको फॉर्मूला लिखने के मिलने वाले हैं, एक नंबर कैलकुलेशन के वैल्यू प्लेस करके कैलकुलेशन करने के मिलने वाले हैं। तो यहाँ बच्चा अक्सर क्या करता है, फॉर्मूला लिखना भूल जाता है, इसलिए मैंने क्लास रखी कि ये बातें आपको बता दें कि आपको स्टेप दिखाने हैं, वन स्टेप पे नहीं करना है, इसलिए फॉर्मूला लगाना है। बाकी आप तो तैयारी जो कर रहे हैं कर ही रहे होंगे। अब ये आया एक आउटपुट है क्वेश्चन, तो यहाँ एन की वैल्यू दे रखी गई है, है ना, 3269। ए की वैल्यू 1 दे रखी है, बी की वैल्यू 1 दे रखी है। ये काम आप रफ पेपर में नहीं करेंगे, सेम पेज पे करेंगे जहां आप आंसर लिखने वाले हैं, यानी यू हैव टू शो द वर्किंग, शो वर्किंग। पेपर के शुरुआत में लिखा हुआ है कि शो वर्किंग वेयर एवर रिक्वायर्ड। अब कोई सिंपल सा है, आप देख के भी आपको लगा कि ये कर रहा है, ये काम कर रहा है, पर आप इसकी वर्किंग दिखाइए। वर्किंग दिखाने के बाद आप हेडिंग डालिए आउटपुट, ठीक है, फिर क्लियरली आउटपुट मेंशन कर दें कि ये इसका आउटपुट है। ठीक है, फिर जब ये आप वर्किंग प्रॉपरली करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्या कर रहा है। द सेम थिंग एप्लीकेबल फॉर नेक्स्ट आउटपुट क्वेश्चन आल्सो। ये रिकर्सन के वाला है, तो रिकर्सन वाला डायग्राम जैसे बनाते हैं इस तरह से करके, आप रिकर्सन के तरीके से कर लीजिए या सिंपल ड्राई रन करके दिखा सकते हैं। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन में यहां साफ साफ लिखा कि व्हाट दिस फंक्शन इज डूइंग अपार्ट फ्रॉम रिकर्सन। अब व्हाट इट इज डूइंग में आप जैसे कि किसी बच्चे ने फैक्टोरियल का आंसर लिखा था, इट इज टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू n, आप सीधे इसको फैक्टोरियल निकाल रहा है ना, मैथमेटिकल में वो फैक्टोरियल निकाल रहा है या जो भी कर रहा हो, आप वो चीज लिखेंगे, प्रोसेस को समझाने नहीं बैठना है। ठीक है, सही है, सुनो। यस सर। अब आता है के में, पहला काम के मैथ में क्या करना है, ड्रॉ करेक्टली, सही से ड्रॉ करना है। इसके जो साथ में होते हैं ना, क्या बोलते हैं, ऊपर ये कार्डिनल लिखते हैं ना, ये ए बी ए सी डी, अगर ये गलत हो गया या नंबर यहाँ पे गलत लिख दिया आपने, तो फिर तो गया पूरा खेल खराब, तो आपकी मार्किंग 5 की बजाय ये 4 नंबर का 2 नंबर आउट ऑफ 2 मार्क्स होगी। ठीक, पहली चीज। फिर आपको किस प्रोसेस से रिड्यूस करना है, सबको पता होगा कि सबसे पहले हम बड़ा ग्रुप बनाते हैं, फिर ऑक्टेट देखते हैं, फिर रोलिंग ऑक्टेट देखते हैं, उस ऑर्डर में चलना, जल्दीबाजी नहीं करना, ऑर्डर में चलना। ठीक, इसके बाद अगर आपको कोई रिडंडेंट ग्रुप दिखाई देता है, रिडंडेंट ग्रुप को आप मेंशन जरूर करेंगे, यू कैन नॉट राइट कि ठीक है रिडंडेंट ग्रुप, उसको छोड़ दिया, लिखा नहीं, यू जस्ट टेल दिस ग्रुप इज अ रिडंडेंट ग्रुप। आप आइडेंटिफाई किया कि भैया 0, 1, 3, 2 जो है वो ग्रुप है जो कंप्लीटली ओवरलैप है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट कंसीडरिंग इट, बट आई हैव आइडेंटिफाइड दैट, टेल द एग्जामिनर, बिकॉज इफ यू विल नॉट मेंशन दिस रिडंडेंट ग्रुप यू आर गोइंग टू लूज हाफ मार्क फॉर इट। सो यू हैव टू स्कोर मार्क्स एंड यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ द पॉइंट्स वेयर यू कैन लूज, यू मे लूज, सो डोंट लूज एनी मार्क्स फॉर नॉनसेंस थिंग्स। ओके, देन सेकेंड थिंग, व्हाइल ड्रॉइंग द लॉजिक गेट डायग्राम of the reduced expression, it means you have to write the reduced expression, then draw the logic gate diagram and variable and complements का मतलब आप अगर यहाँ पे AND gate को A complement भेजना, तो आप direct A complement लिख सकते हो। ठीक, A का not दिखाने की जरूरत नहीं है। The same story is applicable for POS also. अब कहीं पे अगर आपको ये चीज आती कि भैया यहाँ पे लिखा A plus B plus C plus D, एक्सप्रेशन इस फॉर्म में रखा है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी, तो आप ड्रॉ करके
यहीं से देख लीजिए भैया, ए प्लस बी कहाँ आ रहा है, ए प्लस बी इस तरफ और सी डी यहाँ आ रहा है, जीरो जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्ट यहीं पे फिल कर सकते हैं, डायरेक्ट फिल कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप इस कैनोनिकल एक्सप्रेशन का कार्डिनल एक्सप्रेशन निकालें। ठीक है, पहले दो टर्म को लेफ्ट पे देखिए, दूसरे दो टर्म को टॉप पे देखिए, उसके इंटरसेक्शन पे आप जीरो कर दीजिए। ठीक, तीसरा क्वेश्चन नंबर फोर आता है, इसमें नीचे एसओपी निकालना है या पीयूएस निकालना है, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। ये आपको जैसे पढ़ाया गया है आप पहले टू टेबल बनाएंगे, 16 कॉम्बिनेशन प्रॉपरली जो ऑर्डर बताया गया है कि 8081 करके बनना है तो 8081 करके ही बनाए। ठीक, उसके बाद इसके जो डायग्राम आया इसमें अगर वन भरना है तो आपने वन भर दिया, बाकी जगह ब्लैंक मत छोड़ देना है ना, वन भरना है या फिर जो नहीं है जहां पे वन नहीं आ रहा वहां पे जीरो आ रहा है, तो जीरो खाली छोड़ देंगे, उसके नंबर भी खाली छोड़ दिए जाएंगे। आपके पहले कॉपी चेक करने में कटेंगे इस चीज के नंबर, है ना, जो आपके नंबर कट चुके तो आपको पता हो जाएगा, पता होगा कि भैया इस चीज के नंबर कट जाते हैं। कहां थे भैया, बात समझ में आ गई? यस सर। एसओपी या पीओएस एक्सप्रेशन लिखने की है ना, तो जब एसओपी या पीओएस एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो आपसे मैं ये कहूंगा कि आप इस चीज को भूलिएगा नहीं कि भाई टोटल बना दी और उसका चल दी आगे। राइट इन बोथ कार्डिनल एंड कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है, कार्डिनल एंड कैनोनिकल दोनों ही फॉर्म में लिख दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ये एग्जाम में जब पेपर मिले पढ़ते समय देख देख रहे आपको क्या क्या चीजें करनी है। फिर व्हाट इज हार्ट अटैक डिस्ट्रक्शन लिख दी, सर्किट बनाया ट्रुथ टेबल ऑफ हार्ट अटैक यूजिंग ओनली नैंड गेट। अरे वाह, तो आप ट्रुथ टेबल निकालिए, टीटी ट्रुथ टेबल बनाइए, सम कैरी के लिए एक्सप्रेशन लिखिए, ठीक है, एक्सक्लूसिव और ना लिखिए, आप एक्सप्रेशन लिखिए। एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, यहां पे इसका एक्सप्रेशन निकालिए एसओपी फॉर्म में, क्योंकि नैंड गेट में दे रखा है तो आप एसओपी फॉर्म में एक्सप्रेशन निकाल लीजिएगा, और नॉर गेट से बनाने के लिए कह रहा है तो आप पीओएस फॉर्म में एक्सप्रेशन निकाल लीजिएगा। और उसके बाद एक्सप्रेशन निकालने के बाद सिंपली एंड या और को नैंड या नॉर से रिप्लेस कर देते हैं, ये हमने आपको पढ़ा रखा है। फिर ये अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई दिस बूलियन एक्सप्रेशन विद यूजिंग बूलियन लॉ। ये दो नंबर का या तीन नंबर का आप ये मत सोचिए, आप जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आप ये सोचें कि इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, हो सकता दो नंबर में है तो सॉल्व करके रख दें। जब भी कोई यहाँ पे लॉ लग रहा है, सपोज आपने पी क्यू प्लस ये लगाया, यहाँ पे इसको कर दिया पी प्लस पी क्यू आर, ठीक, अब यहाँ पे आपने कौन सा लॉ लगा दिया, आपने लगा दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक, तो यहाँ कौन सा लॉ लगाया लिख दीजिए। अगर आपको लॉ का नाम इस तरह से नहीं आता तो आप यहाँ लिख दीजिए एक्स प्लस वाई डॉट जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जेड, मैंने ये लॉ लगाया है। ठीक, तो हर स्टेप पे लॉ जरूर मेंशन कर देना, तभी आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे। ये बात समझ में आ गई, आपके सिलेबस में इनकोडर डिकोडर मल्टीप्लेक्सर और एडर है। देखिए एडर पूछा जा चुका है, ये डिकोडर पूछ लिया, ये मल्टीप्लेक्सर पूछ लिया, इन चारों सर्किट के डेफिनेशन, ठीक है, एप्लीकेशन, सर्किट डायग्राम और वर्किंग भी पूछी जा सकती है, तो वर्किंग ये चार ही चार चीज आप तैयार कर लीजिए। और डिफरेंस, डिफरेंस हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम मल्टीप्लेक्सर, डिफरेंस भी आपको ढूंढे नहीं मिल रहा है कॉपी में, गूगल करके देख लो, कई आंसर दिखाएगा, जो इजी लग रहा है वो याद कर लीजिए। ठीक है, देखो यहाँ वर्किंग पूछी गई है कि भाई बताओ कि अगर यहाँ पे जीरो जीरो दिया गया तो किस तरह से आउटपुट में वो जीरो आ रहा है, उसको एक्सप्लेन करना है। अब अगला सवाल आता है, प्रोपोर्शनल लॉजिक का वैलिड है, वेरीफाई करिए, तो वेरीफाई करना तो हो सकता है वैलिड निकले, हो सकता है इनवैलिड निकले,
ठीक। तो साफ सुथरा बनाना, साफ सुथरा बनाओगे तभी आंसर आएगा सही। ये ए हो गया, दो इनका इंटरसेक्शन तीन, इस साइड का चार, पांच कॉलम बनेंगे पांच, और फिर आखिरी में छह कॉलम। इस तरह से हर कॉलम के आधे आधे नंबर होंगे। साफ सुथरा बनाइए और आखिरी में इनवैलिड निकलता है, वैलिड निकलता है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। इजी क्वेश्चन है तो भी क्रॉस चेक जरूर करना, चेक तुरंत कर लीजिए, ज्यादा अच्छी बात है। फिर हर साल मैं देख रहा हूँ ये क्वेश्चन मिड टर्म मैक्सिमम किसी का निकालने के लिए आता है, कंफ्यूज मत हो, मिड टर्म में क्या है मैक्सिमम में क्या है। ठीक है, नॉर्मली मिड टर्म मैक्सिमम पूछते हैं तो ठीक है, अब उल्टा लिखा है तो आप कंफ्यूज मत हो भैया, मैक्सिमम में क्या होना है भैया, देखो होना है ए प्लस बी प्लस सी बा, अरे कंफ्यूज हो गए, ए बार प्लस बी बार प्लस सी और प्लस डी बार, ये आप इस तरह से ध्यान से लिखिए और लिख दीजिए। ये मैक्स टर्म है, कौन सा मिड टर्म है कौन सा मैक्स टर्म है, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा। सो प्लीज डू मेंशन ये आपने कब मिड टर्म लिखा है, कुछ क्या मैक्स टर्म लिखा है। ओके, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया मैं उनको फिर से बता देना चाहता हूं कि मैंने यहाँ आपके ज्वाइन करने पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया एमसीक्यू के लिए वो ये है कि भैया यहाँ पे तीन चार टॉपिक हैं जो हम लोग काफी इग्नोर रखते हैं, वो है ऊप्स, एमसीक्यू ऑन ऊप्स करके गूगल में डालिए, सैंड फाउंड्री और जावा टी पॉइंट दो वेबसाइट्स हैं जहां से आप इनको पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे एमसीक्यू ऑन ऊप्स, एमसीक्यू ऑन रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स, ठीक है, ये मैं टैब पे क्लिक करता हूँ तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स, जावा क्वेश्चन एंड आंसर, इनिटेंस और एक्सेप्शन हैंडलिंग, और आप उसके बाद चाहे तो यहाँ पे एमसीक्यू ऑन वन अदर टॉपिक इज देयर व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा स्ट्रक्चर। इन जावा जब आप ये खोलोगे तो यू मे गेट सम क्वेश्चन विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ यू योर सिलेबस, तो वो हो सकता है उनका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है तो आप बहुत परेशान ना हो, खाली उनका आंसर दे दीजिए, बहुत आपको पता लग जाएगा हाँ अरे इस तरह की बातें तो हमने कभी क्लास में की नहीं थी, तो ये बियॉन्ड द स्कोप ही होगा, है ना, तो ये देख लीजिएगा। ओके, यहाँ डेटा स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन दिए हुए हैं इस टैक्स क्यू लिंक्ड लिस्ट वगैरह पे। ठीक है, अब वापस आते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग पे। प्रोग्रामिंग पार्ट में ज्यादा बताने के लिए ऐसा सच कुछ नहीं है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, राइट कमेंट्स जो भूल जाते हैं, थिंक बिफोर यू राइट, सोच लो फिर ध्यान से लिखो, क्योंकि बहुत कटिंग नहीं करना, नीट एंड क्लीन काम करिएगा। और एक काम और करिएगा बेटा, क्वेश्चन वन खत्म हो रहा है, क्वेश्चन टू नए पेज से स्टार्ट करो, क्वेश्चन थ्रू थ्री नए पेज से, कॉपी की कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी कॉपी होती है अभी तक आपने देख लिया है, भर जाएगी, बी कॉपी ले लीजिए, जिससे कि अगर आपके क्वेश्चन नंबर सपोज ये शुरू हुआ सिक्स और इस ये डेढ़ पन्ने में लगा, आधा पन्ना बच रहा है, फिर आप सेवन करने लग गए, अब फिर आपने रिवीजन करा बैठ के, कोशिश करके आपका करने आता है आपको, 2.5 घंटे में पेपर खत्म हो जाएगा। पेपर खत्म होने के बाद आप पहले रिवाइज कर लेंगे तब एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जिस सेक्शन में आपको लगता है कि यहाँ थोड़े नंबर कट सकते हैं, मेरे को लग रहा है कि आई एम फॉलिंग लिटिल लैकिंग इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, उसको आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं बाद में, पहले तो जो चाहिए रिक्वायर्ड, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन पहले कर देते हैं, बाद में टाइम कम पड़ जाता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमेशा रिवाइज करने के बाद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स में एक फंक्शन में मिस्टेक मिले तो आप उसको काट के दोबारा लिख सकते हैं उसी के साथ, क्योंकि आपका आधा पन्ना बचा हुआ है, पर अगर आपने स्पेस नहीं छोड़ा हुआ है जैसे कि वहीं से शुरू कर दिया दूसरा आंसर, तो दिक्कत हो जाती है ना, फिर आप कहीं और लिखते हो, एग्जामिनर को दिक्कत होती है। और जिनकी प्रोग्रामिंग बहुत वीक है वो एटलीस्ट, अगर मैं कह रहा हूँ कि प्रोनिक फंक्शन ना भी लिखें और पूरा प्रोग्राम बनाते हो तो 7 नंबर मिलेंगे, ये 3 नंबर से ज्यादा का इसकी वैल्यूएशन नहीं होगी, और मैं तो चाहूंगा कि भाई किसी के साथ ऐसा ना हो कि प्रोनिक फंक्शन ना लिखे, पर फिर भी बता रहा हूँ, इनपुट नंबर कंस्ट्रक्टर चेक, चेक में प्रोनिक कॉल करना, आपने प्रोनिक ने नहीं लिखा तो भी आप चेक से इसको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमें फंक्शन के वाइज नंबर मिलते हैं, ये 3 नंबर इज फॉर चेक फंक्शन लेट से, तो इट इज नॉट काउंटिंग दैट यू हैव मेड प्रोनिक फंक्शन और नॉट,
just assume it is existing for you. And another point is this, कि यहाँ नीचे पढ़ लेना करना क्या क्या है, मेन लिखना है, एक नंबर मेन का हो गया, तीन नंबर इसके हो गए, तीन नंबर इसके हो गए, एक नंबर इसका हो गया, एक नंबर इसका कितने हो गया, तीन, एक तीन, छह, सात, आठ, नौ, एक कमेंट का हो गया, दस हो गए, ये मिला के इसके एक नंबर होंगे, इस तरह से मार्किंग स्कीम होती है, ठीक है. द सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, क्वेश्चन नंबर सिक्स. सो व्हाट आई सेड, राइट द प्रोग्राम क्लियरली, और जिस तरह से ये पेपर बना हुआ है नॉर्मली उसी तरह से पैटर्न आएगा, यानी कि एक क्वेश्चन रिकर्सिव मोस्ट प्रोबेबली नंबर बेस्ड आएगा, इवन स्ट्रिंग इज एंड एरे इज ऑल्सो देयर, रिकर्सिव स्ट्रिंग एंड एरे इज ऑल्सो देयर, यू हैव गॉट सम क्वेश्चंस ऑन दैट, उन्हीं को कर लें, बहुत नए नए क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, उन्हीं को समझ लेंगे, उन्हीं में से आएगा, ठीक है. उसके बाद ये एरे आई है, एरे से एक क्वेश्चन आएगा, ये पासिंग ऑब्जेक्टिव से है, तो एरे से एक क्वेश्चन आएगा, एक स्ट्रिंग से आएगा, उसमें से एक आधा पासिंग ऑब्जेक्ट होता है फंक्शन से भी आ जाएगा, और स्ट्रिंग से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन इज वेयर द वर्ड एक्सेप्शन इज रिक्वायर्ड और स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड, डिकोडिंग वगैरह है ना, इनक्रिप्शन, तो दो सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट. एम आई क्लियर टू यू? ठीक, ओके. देन इनहेरिटेंस, लास्ट ईयर मैं एग्जाम सुनूं सिर्फ बच्चों से फीडबैक, तो एक बच्चा ऐसा था जिसने इनहेरिटेंस नहीं पढ़ा था. अच्छा, ये पहला तो ये आ गया, चलो इनहेरिटेंस की बात कर ले, उसने इनहेरिटेंस नहीं पढ़ा था. इनहेरिटेंस से आसान कोई टॉपिक नहीं है भाई, पांच नंबर इसमें, पांच में से पांच सबके आने चाहिए, पांच है पांच, ठीक है, एक नंबर का भी इसमें स्कोप नहीं. क्या करना, क्या होता है, क्लास इंटरेस्ट एक्सटेंड बैंक, एक लाइन लिख दी, एक नंबर मिल गया, क्लास बेस केस का नाम एक्सटेंड ड्राइव, क्लास से बता चुके हैं. फिर यहाँ ये दो वेरिएबल डिक्लेयर करें और ये कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर के बनाने में मुझे इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको हमें तीन वैल्यू पास करनी है, जो वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो रही वो सारी पास करनी है, तो इस फंक्शन को मुझे पांच वैल्यू पास करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट फंक्शन को पांच वैल्यू पास करनी है, तीन उसके पप्पा की, दो इसकी, ठीक. पहला लाइन सुपर फंक्शन कॉल करके वैल्यू पास कर देंगे, तो एक नंबर आपको इस लाइन के मिल गए, एक नंबर मिल गए कंस्ट्रक्टर सही बनाने का. जी सर, ये जो सुपर फंक्शन होता है इसमें सर हम लोग सेम पैरामीटर रखेंगे जो ऊपर कंस्ट्रक्टर में था. हाँ हाँ हाँ, आप सेम नेम मत रखिए, लेट्स से लाइक दिस, लेट मी राइट इट फॉर यू. यहाँ सुपर फंक्शन, सॉरी इंटरेस्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, ऊपर वेरिएबल का नाम क्या है, नेम, तो आप यहाँ लिखते स्ट्रिंग एन, अकाउंट नंबर ले लीजिए आई एन टी आई, प्रिंसिपल डबल टाइप है डबल पी, रेट इज डबल डबल आर और आई एन टी टाइम, दो भी डबल टाइप है डबल टी, ठीक. फिर लिखिए सुपर, तीन वैल्यू ऊपर पास करनी है एन कॉमा आई कॉमा पी, एंड देन रेट इक्वल टू आर एंड टाइम इक्वल टू टी. देन इन द कैलकुलेट फंक्शन यू विल परफॉर्म दिस कैलकुलेशन, फॉर्मूला इज गिवन, एंड गलती से भी यहां पे नेक्स्ट फंक्शन में टी आर ये सब ना यूज करके अब तो मेंबर फंक्शन ही यूज करेंगे, क्योंकि ये तो वेरिएबल आपके लोकल वेरिएबल है, ये भी गलती ना करें बेटा कहीं, है ना. और मैट्रिक्स का क्वेश्चन आना उसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा में करना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स वाले में कई फंक्शन ऐसे होते हैं. अच्छा, उसकी बात बाद में करेंगे. फिर डिस्प्ले फंक्शन इज देयर, ये डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले, तो डिस्प्ले फंक्शन ये दिस इज नोन एज ओवरराइडिंग. सुपर डॉट डिस्प्ले से पहले बेस केस वाला कॉल करेंगे, क्योंकि यहां लिखा है टू डिस्प्ले द कस्टमर डिटेल अलॉन्ग विद द कंपाउंड रजिस्टर, अब कस्टमर की डिटेल बेस क्लास में है, तो वहां एसओपी नेम यहां मत लिखो भाई, डिस्प्ले फंक्शन कॉल करो, वो कस्टमर डिटेल डिस्प्ले कर रहा है, देखो यहां लिखा है टू डिस्प्ले द कस्टमर डिटेल्स, ठीक है. इस प्रोग्राम में आपको केवल डिराइव्ड क्लास लिखनी है, क्वेश्चन विल एज्यूम द सुपर क्लास इज ऑलरेडी डिफाइंड, कंस्ट्रक्टर बनाना है, डबल लिखना है और मेन नहीं लिखना है, कमेंट नहीं लिखने हैं, पांच नंबर वाले में कमेंट नहीं लिखने, ठीक है. एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? ठीक. अब
ये अगला क्वेश्चन है, होल्डर इज अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विच कैन स्टोर एलिमेंट इन द रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्शन विद एन एलिमेंट कैन ऐड फ्रॉम द रियर एंड रिमूव फ्रॉम द फ्रंट। दो एंड से रीडिंग राइटिंग हो रही, इट मीन्स इट इज क्यू। ठीक, फ्रंट और रियर जीरो है। तो हमने आपको प्रोग्राम लिखाया है ऐड और रिमूव करने का। तीन क्वेश्चन है, स्टैक क्यू और डी क्यू, तीन प्रोग्राम है, तीन प्रोग्राम को तैयार कर लीजिए और इनिशियल वैल्यू फ्रंट माइनस वन और जीरो दोनों से तैयार करिए, पर जीरो वाले पे ज्यादा जोर दीजिएगा, है ना। क्यू में फ्रंट और रियर, क्योंकि बोर्ड के जितने पेपर है मोस्टली में जीरो ही आई है इनिशियल वैल्यू, तो वो कोड सबके पास है और मैंने अभी शायद एक पहले प्रोग्राम ग्रुप में भेजा भी था, ठीक है, और आज भी भेज दूंगा। ये हो गया, कोई डाउट इसमें? चार नंबर का प्रोग्राम है, ऐड और रिमूव के नंबर है, पर यहां क्लास होल्डर गिविंग द डिटेल ऑफ द फंक्शन, तो इसमें दो नंबर का ये होगा, दो नंबर का ये होगा। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए नहीं कहा गया है, पेपर को पढ़ो, कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए नहीं कहा गया है, तो आप बनाने में टाइम मत वेस्ट करना, खाली क्लास के मेंबर डेटा लिखना और ये दोनों फंक्शन लिख देना। और यहां लिखा नेम द एंटिटी एंड स्टेट द प्रिंसिपल, क्यू है और लीफो है, सॉरी फीफो है, ठीक है, पूरा नाम लिखना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो फुल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आधे नंबर के दो क्वेश्चन। लिंक लिस्ट में मैंने आपको एल्गोरिथम भी पढ़ाया है और फंक्शन भी पढ़ाया है, बट आई रिकमेंड राइट फंक्शन, ठीक है। फंक्शन भी मैंने आपको वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी शेयर की हुई है, साथ में नोट्स भी हैं, वो भी मैंने आपको शेयर कर लिए हैं। लिंक लिस्ट वाली एक बार फिर से भेज दीजिएगा, फिर ऊपर कहीं होगी मिलेगी, बिल्कुल दोबारा भेज दूंगा, नहीं अभी भेजा है दो दिन पहले यार, फिर से भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट हो किसी प्रोग्राम को पढ़ने में तो मुझसे अभी पूछ सकते हैं आप किसी चीज में। और तीसरा चीज है, ये जो बाइनरी ट्री है इसमें एक ही पॉइंट पे कंफ्यूजन होता है कि इसकी हाइट क्या है, ठीक है, कितनी हाइट है इसकी, 0, 1, 2, 3, और हाइट इज 3। दूसरा क्वेश्चन में जो दिक्कत होती है वो है इसका साइज, व्हाट इज द साइज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लीजिए, बाकी इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्सल में से एक क्वेश्चन होगा इसमें पक्का पक्का, ठीक है। नेम ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ नोड बी एंड नोड जी, तो आप आंसर लिखेंगे बी का चाइल्ड कौन है डी, जी का चाइल्ड कौन है ई एफ ई एच, क्लियर होना चाहिए कि आप किसकी बात कर रहे हैं, ऐसे आंसर लिख दिया डी ई एच, अब समझ में आ रहा है कौन किसका चाइल्ड है। सो देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट सब ट्री, अच्छा टू हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर, हाउ टू प्रेजेंट, सो द प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट क्वेश्चन सेइंग स्टेट द रूट ऑफ द राइट सब ट्री, वुड यू आंसर राइट सब ट्री का रूट कौन है, यह है राइट सबट्री, ठीक है, राइट सबट्री बनाओगे तो एफ विल बिकम रूट द राइट सबट्री, राइट। एनीथिंग यू वांट टू आस्क एनी चाइल्ड सर, एसओपी या पीओएस में जो एक अकेला वन या जीरो बच जाता है उसमें हम लोग उसको छोड़ते तो नहीं है, तो उसमें क्या लिखते हैं सर, वो एक बार बता दीजिए, केएमएफ रिड्यूस करने में, जी जी सर, एसओपी और पीओएस ये केएमएफ से आप रिड्यूस करो, ठीक है, कुछ भी, अब ये दिया सब तीन वाला मैं बता के दिखाता हूं, ये एक पेयर आ गया और ये किसी के साथ नहीं जा रहा ना, दिस इज नोन एज सिंगलेट, सिंगलेट, ठीक है, इसके लेफ्ट में क्या है ए बार, यहां पे है बी सी बार, इसको आप लिख दीजिए ए बार बी सी बार, रिड्यूस नहीं हुआ, ठीक ठीक है, और दूसरे वाले का जो आता है वो लिख दीजिए, इसका आएगा ए बी, ए बी बार, तो ये आंसर हो जाएगा। एनी अदर चाइल्ड वांट टू आस्क एनीथिंग सर? यस सर, प्रोग्राम में वो ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे कि
जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दे देते हैं ऑब्जेक्ट बनाने वाला, ऑब्जेक्ट पासिंग ऑब्जेक्ट टू द फंक्शन। यस सर, पासिंग ऑब्जेक्ट। देखो एक स्पेसिमेन पेपर में साफ साफ दिया हुआ, ये पेपर देखिए, ये कोर्स में है, बिल्कुल आ सकता है। यस सर, इसमें कह रहा दो एरे जो पास की गई हैं, दो ऑब्जेक्ट पास की गई उनके पास दो एरे हैं, तो बिल्कुल सिंपल होता है बेटा, पी ऑब्जेक्ट है एक क्यू ऑब्जेक्ट है, एक है पी डॉट ए जिसका साइज है पी डॉट एम, और दूसरी है क्यू डॉट ए उसका साइज है क्यू डॉट एम। अब इस और तीसरी है करंट ऑब्जेक्ट की एरे, उसका नाम है ए और एम। आप क्या करिए, एक लूप चला के पहले ऑड नंबर पहली और एरे से पी वाली से ले लीजिए। मैं करंट ऑब्जेक्ट को दिस डॉट नहीं लिखेंगे, दिस इज ऑप्शनल, दिस करना इज नॉट मैंडेटरी। आप पहले पी वाले के वैल्यू को चेक करके स्टोर कर दिया आपने दिस वाले में, फिर क्यू वाले को स्टोर कर दिया दिस वाले में, और उसके बाद ये रिटर्न कर रहा है। एक्चुअली वॉइड होता तो अच्छी बात थी, वॉइड ही होना चाहिए था, रिटर्न कर रहा था आखिरी में लिखे रिटर्न दिस। ठीक, क्योंकि आपने आंसर किस पे डाला है, करंट ऑब्जेक्ट में, करंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है तो रिटर्न दिस। इस वाले क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि इसका मेन दो नंबर का आता है, क्योंकि मेन काम तो मेन में ही है और यहां है। तीन ऑब्जेक्ट बनाए आपने, लेट से ए बी सी, ठीक, फिल एरे आपने ए में इनपुट कराया बी में इनपुट कराया, फिल एरे दो से कॉल के ए डॉट फिल एरे बी डॉट, फिर कॉलिंग करेंगे सी इक्वल टू सी डॉट अरेंज ए कॉमा बी। ठीक, बाकी इसको रिवाइज करने के लिए वो पासिंग ऑब्जेक्ट टू द फंक्शन की रीसेंट वीडियोस में देखिए, जाके वीडियो पड़ी हुई है देख लीजिए, ठीक है, इट विल टेक हाफ एन आवर टू रिवाइज। यस सर, यू विल गो थ्रू टू टू प्रोग्राम्स। सबसे पहली वीडियो शुरू करिएगा जो सबसे लेट में डाली गई है, तो उसमें समझाया जाता गया, दूसरे में तो प्रोग्राम डिस्कस किए गए। और किसी बच्चे को डाउट, सर? हाँ जी सर, जो लास्ट वाले क्वेश्चन में सर मुझे एल्गोरिथम सर बनाने के लिए आता है सर, वो वाला सर बता दीजिए और हम मेरे को समझ में। ये लिंक्ड लिस्ट का? हाँ सर, ये यही वाला सर, यही थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। एल्गोरिथम बनाने से बेटर होता है प्रोग्राम बना लो, प्रोग्राम ही मैंने भेजे, एल्गोरिथम समझ में आ गए, प्रोग्राम देखोगे समझ में आ जाएगा, है ना, मैं बता देता हूँ प्रोग्राम। ठीक, हाँ सर वो बता दीजिए सर, बता देते प्रोग्राम, बता देते ये वाला बता दे रहे, एक समझा देंगे दूसरा समझ लोगे ना अपने आप से फिर। हाँ सर बिल्कुल सर, थोड़ा बहुत सर बेस। हाँ ओके, इस क्वेश्चन में रखा कि एक नोड है, नोड के अंदर दो मेंबर डेटा है, एक नम है एक नेक्स्ट है। ठीक, तो यानी कि ये जो इसकी लिस्ट बनी होगी ऐसे, जिसके दो पार्ट है नम और नेक्स्ट। ठीक, फिर ये देख रहा है void insert node दो वैल्यू पास कर रहा है, स्टार ptr और वो जो भी बोला वो लिख देंगे। पहली लाइन लिखी मैंने void insert node, चलो इतना है, तो जो लिस्ट बनी है कुछ इस तरह की होगी। एक लिस्ट बनी है, ये एग्जिस्टिंग है, मैंने कहता ये इसमें तीन नोड है, लेट से हर नोड के दो पार्ट है, पहला नोड मेमोरी एड्रेस ए पे है, दूसरा बी पे है, तीसरा सी पे, मैं ऐसा मान रहा हूं, मेमोरी एड्रेस कुछ भी हो सकते हैं। जो तो स्टार पीटीआर होगा ना, स्टार पीटीआर में क्या होगा, What will be the value of star PTR in this case? Address of first node.
इसमें कुछ वैल्यू है। ठीक, पहले नोड के नेक्स्ट में दूसरे नोड का एड्रेस, दूसरे नोड के नेक्स्ट में तीसरे नोड का एड्रेस, तीसरे नोड के नेक्स्ट में नल होता है। हमें स्टोर करना है बिगनिंग पे, तो हम एक नया नोड क्रिएट करेंगे, मैंने उसका नाम रख दिया न्यू पीटीआर। ऑब्जेक्ट बनाने वाला सिंटेक्स लगाइए, तो ये एक नया नोड क्रिएट हो गया। लेट्स एज्यूम इट इज एट एड्रेस डी हैविंग टू पार्ट्स। इसका पहला पार्ट है नम, उसमें हमने डाल दिया सी, यहां सी आ गया। ठीक, नल में क्या आना चाहिए, यहां पे इस जगह क्या आना चाहिए, ये सोच के बताइए। यहां पे आना चाहिए बेटा ए, ये ए से पहले जुड़ने वाला है ना, ये ए से पहले जुड़ना, तो इसमें आना चाहिए ए। yes, तो हमने ए किसमें है, ए तो स्टार्ट पीटीआर के पास है ना। तो हमने क्या लिख दिया, स्टार पीटीआर। अब स्टार पीटीआर में अगर ए स्टोर है तो ए इज द फर्स्ट सेकंड नोड, अभी तो ए सेकंड नोड है, पर हमारा तो फर्स्ट नोड क्या होना चाहिए, डी। अब तो फर्स्ट नोड डी चाहिए ना, ए सेकंड वाला ए थोड़ी चाहिए, यहां पे मुझे डी चाहिए। yes, तो डी किसकी वैल्यू है, न्यू पीटीआर की नई, सॉरी स्टार्ट की वैल्यू बदलनी है मुझे, स्टार पीटीआर में नई वैल्यू क्या आएगी, डी। डी कैसे पहुंचेगा उसके पास, उसमें लिखिए न्यू पीटीआर, न्यू पीटीआर। यहां तीन बातें लिखी है, न्यू पीटीआर डॉट नम, न्यू पीटीआर डॉट नेक्स्ट और न्यू पीटीआर। तीनों का मतलब क्या है, न्यू पीटीआर डॉट नेक्स्ट का मतलब उस नोड के नेक्स्ट में क्या है, नम में क्या है, न्यू पीटीआर डॉट नेक्स्ट में उसके नेक्स्ट में क्या है, और केवल न्यू पीटीआर का मतलब न्यू पीटीआर खुद कहां पे है, न्यू पीटीआर खुद कहां पे, ये है इसका मतलब। ये आपके बिगनिंग में इंसर्ट हो गया, चार लाइने, चार दो नंबर आधे आधी लाइन हर नंबर के मिलेंगे। और इसमें आप जो प्रिपेयर करें, इंसर्ट डिलीट, इंसर्ट डिलीट और ट्रेवल्सल। ट्रेवल्सल में क्या होता है, पहले से आखिर तक जाने वाले एल्गोरिथम, जिसमें आपको काउंट करना है किसी चीज को, या सम निकालना है एलिमेंट का, सम ऑफ ऑड निकालना है, ठीक, या सर्चिंग, इसके एल्गोरिथम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, आ तो डिलीट का भी सकता है, पर पहले आप इस पे फोकस करिए। ऑलराइट, एनी अदर चाइल्ड वांट टू आस्क एनीथिंग, सर ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, मुझे भी। हाँ, अब कोई भी डाउट हो किसी को, तो यू कैन सेंड मी योर। डाउट ऑन व्हाट्सएप, राइट। सर फिर तो ये लास्ट ऑफिशियल मीटिंग हुई हम लोगों की। हाँ जी, इसके बाद तो अब रिजल्ट नहीं सर। हाँ सर, बोलिए। मैं कह रहा हूँ सर, अगर कोई डाउट हो तो सर कल एक और क्लास ले लीजिएगा, थोड़ी सी ले लेंगे वो फायदा। हाँ सर, नाम और सर हो गया, मैं को बता दूंगा, प्लीज एक मिनट कर लीजिएगा। तो मैं अलग से जिस क्लास में कल शाम को ले लूंगा, ठीक है, तो डाउट पूछ लेंगे। बाकी कल हम 10 बजे लाइव तो लेंगे ही लेंगे यूट्यूब पे। वहाँ सॉल्व हो जाएंगे सर इसके डाउट। हाँ जी, वहाँ सॉल्व हो जाएंगे सर हर्षवर्धन के डाउट। हाँ ठीक है, चलिए तैयारी करिए अच्छे से, कल मिलते हैं, कल हम फिर आपको टाइम देते हैं। हाँ ओके, बाय, थैंक यू, थैंक यू सर, वेलकम।